Yeah, good morning students. Yeah, students, we have started our fourth chapter, agriculture, and already two chapter jo iske part ho chuke hain. Now this is the third part, and in this third part we will discuss about some major crops. Kyunki major crop humne second part mein discuss ki thi, but kuch jo major crops hai wo abhi bhi pending hai. After doing those major crops, we will discuss about the agricultural development. और उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे इंडिया और यूएसए की, जहां पर हम देखेंगे कि इंडिया और यूएसए के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है. नाउ तो अब तक जो हमने क्रॉप्स की थी वो दीज आर द फूड क्रॉप्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम मेजर नॉन फूड क्रॉप्स, जिन्हें हम फाइबर क्रॉप्स भी कह सकते हैं. नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ, देर आर फोर फाइबर क्रॉप्स जो कि हम इंडिया में स्टिल प्रैक्टिस करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. ठीक है, दीज आर द फोर फाइबर क्रॉप्स जिसका हम यूज करते हैं. कॉटन, जूट एंड हेम्प, दीज आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोइंग इन द सोइल. अगर मैं कॉटन, जूट और हेम्प की बात करता हूँ, हम जैसे नॉर्मल फसल को उगाते हैं सेम उस तरीके से हम उसे अचीव करते हैं. बट इफ वी थिंक अबाउट द नेचुरल सिल्क, सिल्क इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म. हम सिल्क वर्म के जो कोकून्स होते हैं उनसे लेते हैं, विच आर फेड ऑन द ग्रो ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी, जो कि मलबरी जैसे है उसके जो हरे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर उन कोकून्स को हम पालते हैं, तो उनसे हम सिल्क वर्म लेते हैं. ठीक है, इसे हम रेशम का कीड़ा भी कह सकते हैं. ठीक है, हमने बात की है कि हमारे पास चार फाइबर क्रॉप्स है, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क. ठीक है, कॉटन, जूट और हेम्प, दिस आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सोइल. बट इफ वी थिंक अबाउट द नेचुरल सिल्क, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म, विच आर फेड और ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबरी, क्योंकि मलबरी जैसे है उसके हरे पत्तों पे होती है उसे करते हैं. ऑलरेडी हम सेरिकल्चर को डिस्कस कर चुके हैं, लाइक वेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर, इट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. नाउ आगे देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, कॉटन. ठीक है, आई थिंक कॉटन को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट कॉटन के बारे में फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इट इज ए प्लांटेशन क्रॉप्स एंड फॉर द कमर्शियल यूजेस. कल्टीवेशन सीजन इसका रहेगा खरीफ सीजन, बट इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर. ठीक है, इसे मैच्योर होने के लिए कम से कम 6 to 8 months चाहिए, खरीफ सीजन इसका है. ठीक है, टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इट रिक्वायर लेस देन 35 degrees Celsius टेम्परेचर. लिसन केयरफुली, अगर मोर देन 35 degrees Celsius टेम्परेचर हो जाता है, इट इज हार्मफुल फॉर दिस क्रॉप. सो इट रिक्वायर द टेम्परेचर नियर अबाउट लेस देन 35 degrees Celsius temperature, and most important, it is needed 210 frost-free days. किसी भी प्रकार का की ठंड, किसी भी प्रकार का कि आप कह सकते हो जो आप कह सकते हो फ्रोस्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए. और इसे पूरे साल में 210 frost-free days की requirement है, और इसकी better growth के लिए bright sunshine होनी चाहिए. तो ऐसे area के अंदर ये उगती है. नॉर्मली इसको एनुअल जो रेनफॉल है, इट रिक्वायर नियर अबाउट 85 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, इसकी रिक्वायरमेंट है. एंड कॉटन जो है, ब्लैक सॉइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए. अगर मैं इसकी सॉइल की बात करता हूँ, तो ब्लैक सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड, यू कैन से आइडियल सोल फॉर सॉइल फॉर कॉटन. सबसे मोस्ट सुटेबल जो सोइल है जो कि कॉटन ग्रोइंग ग्रो करने के लिए है, वो आपकी ब्लैक सोइल है, जो कि आपकी डेक्कन जो प्लेट्यू है उसके अंदर मिलती है. मेजर एरिया जो है आपके इसके, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. और मैक्सिमम ये एरिया, अगर मैं महाराष्ट्र वगैरह का एरिया बात करता हूँ, तो ये मैक्सिमम जो एरिया है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू का है, जो कि आपका एक तरीके से ब्लैक सोइल वाला एरिया माना जाता है. तो दिस इज कॉटन. Now next one is jute. अगर मैं जूट की बात करता हूँ, इट इज नोन एज ए गोल्डन फाइबर आल्सो, इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. ठीक है,
आपसे ये वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि विच फाइबर इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर, दिस इज जूट. अगर मैं जूट की बात करता हूँ, इट इज अ कमर्शियल क्रॉप एंड यू कैन से इट्स अ नोन फूड क्रॉप आल्सो, ठीक है, एंड विच रिक्वायर्ड नियर अबाउट टेम्परेचर ऑफ 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसे 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. एनुअल रेनफॉल, इट रिक्वायर्ड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. एंड सॉइल टाइप, वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल की जो कि फ्लड प्लेन एरिया से रिलेटेड है उसकी इसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको अभी यहाँ पर कहने जा रहा हूँ. हमारी जो रिवर होती है उसके तीन कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स. अपर कोर्स जिस वक्त वो माउंटेन से निकलती है दैट इज अपर कोर्स. जिस वक्त वो प्लेन एरिया में होती है वो उसका मिडल कोर्स होता है, ठीक है. और जिस वक्त एक नदी अपनी किसी वाटर बॉडी में जाकर मिलती है, जैसे कि गंगा कहाँ पर जाती है, गंगा जाती है जस्ट ओनली वेट स्कूल्स, जैसे गंगा जो है वो देव बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है. अगर मैं गंगा जो रिवर है उसकी बात करता हूँ तो देव बंगाल में जाकर गिरती है तो वो वाटर बॉडी है, ठीक है. तो उसका जो देव बंगाल से लगता हुआ एरिया है या कह सकते हो जिसमें आपका वेस्ट बंगाल का एरिया आता है या आप जिसको बात करते हो बांग्लादेश का जो एरिया आता है वो आपका लोअर कोर्स होता है, ठीक है. और जो ये जूट होता है मैक्सिमम उसी कोर्स के दौरान होता है, उसी जगह पर होता है. यही कारण है कि मैक्सिमम जो जूट मिल है ना वो वेस्ट बंगाल के अंदर है. क्यों? क्योंकि वहाँ हर साल जो है वो फाइन जो फ्लड आने की वजह से वहाँ पर जो फाइन पार्टिकल जो सोइल के हैं वो मिलते हैं, जो कि जूट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इवन मैं अगर वीट या राइस की बात करता हूँ तो वीट और राइस जो होते हैं वो आपके मिडिल कोर्स में हो सकते हैं, थोड़े से अपर कोर्स में भी हो सकते हैं, पर जूट के लिए जो सबसे आइडियल एरिया है वो होता है आपका किसी भी रिवर का लोअर कोर्स. यही कारण है कि हमारे इंडिया में जो जूट होता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, ठीक है. मेजर एरिया जो है हमारे वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय, दीज आर द मेजर एरियाज, ठीक है. अब इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है. अभी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई है जहां पर प्लास्टिक को बैन करने की बात की गई है, ठीक है. तो जितने भी कैरी बैग हैं उनका यूज, उनके अंदर जो है जूट का यूज किया जाता है. इसके अलावा डिफरेंट टाइप के गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट और विभिन्न प्रकार की जो डेली यूजेज होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं उन सब के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है. उन सब चीजों के अंदर इसका यूज किया जाता है और हाल ही में गवर्नमेंट पॉलिसीज के आधार पर इसका यूज जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. मीन्स एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से इंक्रीज की गई उसको डिस्कस किया. एवरीथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. अगर हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया ताकि जो इसकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू एनी फैक्टर, वेदर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन या अदर फैक्टर्स, तो इन जो रिक्वायरमेंट ये जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके उन सब चीजों के लिए जो एफर्ट्स उठाए गए हैं वो आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आते हैं. और ये इसे अचीव कैसे किया गया, दिस कैन बी अचीव इन डिफरेंट वेज लाइक बाय इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग एरिया एंड यू कैन से द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन मीन्स मल्टीपल क्रॉपिंग के मेथड से, या इरीगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया, या हमने फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट्स को डाल दिया ताकि आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके. तो जो भी हमने मेथड यूज किया अपनी फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो सारे के सारे एरिया इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है. इसके अलावा हमने क्या किया, मशीनों का यूज करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड कर दिया, मशीनें यूज करने शुरू कर दिया एग्रीकल्चर फैक्टर के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई. जो अल्टीमेट एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है आपका फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना. दिस इज द मेन अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना इनका मेन अल्टीमेट एम है, ठीक है. अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, इट हैज डेवलप एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर लार्ज पॉपुलेशन रहती है दे यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर मैंने क्या कहा था कि उनके पास क्या होता है, छोटा सा स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है,
ठीक है, बिकॉज दे आर बिलोंग टू डेवलपिंग कंट्री, तो वहां पर वो क्या करते हैं सब्सिस्टेंस मैनर से उसकी पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि वो मॉडर्न इनपुट्स यूज करके उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कंट्री जो कि डेवलप कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर इन जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है। वहाँ पर एक व्यक्ति के पास काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसको वो कल्टीवेट करता है। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू टू केस स्टडीज, जहाँ पर आप एक पढ़ोगे इंडिया के बारे में और दूसरा यूएसए के बारे में पढ़ोगे, और तब आपको पता चलेगा कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर सारे की सारी वो बातें आती है, सारे के सारे वो एफर्ट्स आते हैं जिनके माध्यम से हम फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो हमें किसी भी मेथड से क्यों ना किया हो। क्रॉपिंग एरिया को इंक्रीज किया, मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से किया, डिफरेंट मॉडर्न इनपुट्स लाइक पेस्टिसाइड का यूज किया, HYV सीड्स का यूज किया, मॉडर्न जो कह सकते हो फर्टिलाइजर्स का यूज किया या मॉडर्न जो मशीन्स है उनका यूज किया। ठीक है, उन सब के माध्यम से हमने क्या किया, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, और मेन एम जो था वो था आपका फूड सिक्योरिटी देश के अंदर लेके आना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिनोमिना कुछ और होता है, डेवलप कंट्री के अंदर कुछ और होता है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर मेनली हम क्या करते हैं उसको केवल केवल अपने अगर हम बात करते हैं केवल अपने जीने के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। बट अगर डेवलप कंट्री की बात करते हैं उसने उसको कमर्शियल बना दिया, उसने क्या किया उसको कमर्शियल बना दिया और उसने विभिन्न मेथड यूज किए जिससे वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो दो केस स्टडी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंडिया की और दूसरे पढ़ते हैं यूएसए की, ताकि हम उनको समझ सके। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म इन इंडिया। ठीक है, तो देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्नालाल इज अ स्मॉल विलेज स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज who has a farmland of near about 1.5 hectare land. उसके पास केवल 1.5 hectare land है। His house is in the main village. उसका जो घर है गांव के अंदर है। ठीक है, he purchases high yielding variety seeds from the market every alternate year. हर एक साल वो क्या करता है HYV seeds वगैरह purchase करता है। ठीक है, ताकि वो अपनी उस छोटे से एरिया के अंदर अपना गुजारा कर सके। लैंड फर्टाइल है, he grows at least 2 crops in a year. नॉर्मली होता है वीट एंड राइस, समटाइम्स ही ग्रोज पल्सेज आल्सो, एक बार वो पल्सेज भी ग्रो कर लेता है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा फार्मर क्या करते हैं, फार्मर करते हैं कि उनके जो एक्सपीरियंस फ्रेंड्स होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं कि भाई मेरी फसल के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया या मुझे क्या करना चाहिए, या अपने एल्डर से लेते हैं या कोई भी एग्रीकल्चर ऑफिसर उनसे वो एडवाइस लेते रहते हैं ताकि फार्मिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो उसके। He takes a tractor on rent for plowing his field. वो एक छोटा सा ट्रैक्टर लेता है ताकि उस ट्रैक्टर के माध्यम से क्या कर सके, अपने खेत को प्लो कर सके। ठीक है, इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होता, तो वो आसपास के जो व्यक्ति है उनसे उनका यूज कर लेते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं ट्रेडिशनल जो मेथड है मीन्स हल वगैरह जो चलाकर वो अपने खेत को प्लो करते हैं। उनके पास ट्यूबवेल है, ठीक है, उनके पास ट्यूबवेल है, बट वो ट्यूबवेल जो है वो ट्यूबवेल उनके पास नहीं है, वो बल्कि वो ट्यूबवेल क्या है आसपास के किसी दूसरे व्यक्ति का है और उससे वो क्या करते हैं रेंट पर उसका पानी लेते हैं। तो इस तरीके से ये तरीका है हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मिंग करने का है। अब इतने तरीके में क्योंकि लैंड साइज कम है तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक कम होगी। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन भी कम है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जो पीपल है, मैक्सिमम पीपल क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पीपल जो मेथड अपना रहे हैं वो मेथड भी थोड़े से उनके डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या है इसके अंदर, डिफरेंट का मतलब ये है कि वो ट्रेडिशनल मींस ट्रेडिशनल जो मेथड है उनका यूज कर रहे हैं। अब जब ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रहे हैं तो आउटपुट तो उनको कम मिलेगी ही मिलेगी, तो इसीलिए वो केवल उनके सर्वाइव के लिए ही सफिशियंट होती है, उससे उनकी इनकम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती। ठीक है, Now let's think about the case study of USA. अब हम USA की बात करते हैं। तो अगर मैं USA की बात करता हूँ, the average size of farm in the USA is much larger than that of the Indian farm. USA में normally 250 hectares का एक part होता है एक व्यक्ति के पास, हमारे पास था केवल 1.5 hectare. ठीक है, हमने क्या किया, हमने rice, wheat और ज्यादा से ज्यादा pulses इनको उगाया, but जो major crops यहाँ पर उगाई जाती है वो है corn, सोयाबीन्स, वीट,
कॉटन, शुगर बीट्स, कुछ भी वो उगाते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर मेन एम इज द कमर्शियल, और मेन एम है मैक्सिमम आउटपुट के माध्यम से मैक्सिमाइज किया जा सके प्रॉफिट को. एग्जाम्पल लेते हैं जो हो रहे हैं, जो कि मिड वेस्ट यूएसए के अंदर एक फार्मर है, ठीक है, इन लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसके पास 300 हेक्टेयर लैंड है. He grows corn on his field after making sure that the soil and the water resource meet the needs of this crop. सबसे पहले वो देखता है कि वाटर रिसोर्स और फर्टिलिटी अच्छी है, तो वो क्या करता है वहां पर corn उगाता है. उसके बाद डिफरेंट जो सुटेबल मेजर्स है, जैसे कि कंट्रोल, जैसे कि पेस्ट वगैरह हो जाए जिसकी वजह से उनको डैमेज हो सकता है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी वो स्टेप्स उठाता है. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सोइल सैंपल टू द सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ताकि वहां पर न्यूट्रिएंट्स को चेक किया जा सके वेदर दे आर सफिशियंट और नॉट. उसके बाद वो साइंटिफिक जो फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स है उनका यूज करता है. हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज लैंड, उसकी लैंड की प्रिसाइज पिक्चर भी प्रोवाइड करती है. दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड वेयर एवर एंड वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड. अब उस कंप्यूटर के माध्यम से उसको पता चल जाता है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट कहां पर है. इसके अलावा उसके पास ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर एंड यू कैन से कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेसर, ये सारी की सारी चीजें होती है जिससे वो कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है. ग्रेन्स आर स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसीज. उसके पास खुद का एक मतलब एक तरीके से स्टोर हाउस है जहां पर वो स्टोर कर सकता है. उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उसको फिर मार्केट में भेजता है. मीन्स इस तरीके की एजेंसीज उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, एजेंसी उससे परचेज करती हैं, स्टोर करती हैं, भेज देती हैं. तो इस तरीके से जो यूएसए का फार्मर है वो कोई पीजेंट या फार्मर नहीं है, ही इज अ बिजनेस मैन. वो एक बिजनेस मैन है, वो बिजनेस करता है एग्रीकल्चर के माध्यम से ताकि वो अधिक से अधिक आउटपुट अचीव कर सके, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. And this is the basic difference between all the developing and developed countries. Developing country में just only we use agriculture for अपने our livelihoods. केवल अपने livelihood को earn करने के लिए, इतना काम करने के लिए हम करते हैं. But if you think about the developed countries के अंदर वो business की तरीके से कर utilize करते हैं. They maximize their profit. ठीक है, जितनी भी modern inputs हैं उन सब का use करते हैं ताकि अधिक से अधिक profit earn कर सके. So now the chapter is over. I think everything is clear to all of you. If you have any doubt, you can ask it to me. Right?